दोस्तों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट पर अगर आपकी कोई भी पॉलिसी यहां पर चल रही है और आप अपनी उस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तो आप यहां पर बिना बैंक जाए घर बैठे अपने मोबाइल की हेल्प से अपनी उस पॉलिसी को किस तरह से बंद कर सकते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास जो सबसे ज्यादा कमेंट्स यहां पर आ रही थी कि सर, हमने आपकी वीडियो को देखकर अपनी पॉलिसी को तो यहां पर बंद कर दिया है, लेकिन अभी हमें सही तरीका नहीं पता है कि हमारी पॉलिसी बंद हुई है या फिर नहीं, हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन बंद कर देते हैं तो आप अपनी उस पॉलिसी को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी वो बंद हुई है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड सरकारी योजना जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों, उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मिले थे कि सर, हमने आपकी वीडियो को देखकर अपनी पॉलिसी को तो बंद कर दिया है, लेकिन हमें सही तरीके का नहीं पता है कि हमारी पॉलिसी बंद हुई है या फिर नहीं, हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी बंद हुई है या फिर नहीं, उसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू ओनली नीड वन, यानी कि एक एप्लीकेशन की हेल्प से आप यहां पर सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। सो इसलिए यहां पर आपके स्मार्टफोन में योनो SBI एप्लीकेशन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप अपनी पॉलिसी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो आपकी बंद हुई है या फिर नहीं। यहां पर आपको सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है एंड अपना यहां पर आपको MPIN एंटर कर देना है। MPIN एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर निकल कर आएगा, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, हम मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर आपको अब चेक करना है कि आपकी पॉलिसी बैंक की तरफ से बंद कर दी गई है या फिर नहीं। दोस्तों, अपने पॉलिसी का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल इस इंश्योरेंस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट पर जो पॉलिसी आपने कर रखी थी, आपको वो पॉलिसी नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा एंड उसकी डेट यानी कि उसकी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर मेरी जो पॉलिसी थी वो थी यहाँ पर योनो इंस्टा लाइफ सिक्योर। यहाँ पर दोस्तों, जब हम अपनी पॉलिसी को बंद कर देते हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियो को देखकर अपनी पॉलिसी को बंद किया था, तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी जब बंद हो जाएगी तो आपकी पॉलिसी का जो स्टेटस है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा लैप्स्ड। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि अब आपकी पॉलिसी यहाँ पर बैंक की तरफ से बंद कर दी गई है, अब उसकी अमाउंट आपके अकाउंट से नहीं कटेगी। सो अगर आपको भी स्टेटस कुछ ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है यानी LAPSED, तो यहां पर आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली बंद हो चुकी है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक भी इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता था कि पॉलिसी बंद करने के बाद आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी बंद हुई है या फिर नहीं, सो आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया है। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए एंड अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड सरकारी योजना जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।